नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, साथ ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही प्यारी सी राग आपको आप लोग गाएंगे, मुझे उम्मीद है आपको आनंद आएगा। तो ऐसी राग आपको सिखाने वाला हूँ, भजन के बोल भी बताऊँगा कौन सा भजन है, किस तरीके से गाना है, सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इस राग को आप एक बार प्रैक्टिस करके सीखना और फिर इसको आप ढोलक या मंजीरे के साथ में या अपना जो ट्रैक है उसके साथ में आप गाइए। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, जब भी आप लोग घर पे भजन गा रहे हैं, अकेले में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास में कोई ना कोई ऐसा ताल बजने का जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई ट्रैक बज रहा है यूट्यूब का या और कोई ढोलक मंजीरा बजाने वाला है, तो उसके साथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो ताल का जो मामला है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और जब भी हम लोग मंच पे या और कहीं लोगों के सामने गाएंगे तो वहाँ हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। ट्रैक के साथ में ताल, हम लोग ताल हमारी जो डिस्टिप नहीं होगी इधर उधर, तो ताल के साथ में गाने का कोशिश करें शुरुआती तौर पे। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर बेताले गा रहे हैं फिर आपको पता ही नहीं चल रहा, नहीं, शुरुआती तौर पे आपको ताल को साथ में लेके चलना है। तो दोस्तों, भजन सबसे पहले मैं आपको गा के बताऊँगा और उसके बाद में स्केल वगैरह ये सारी जो बात है उसको हम लोग करेंगे। चलिए, अब दोस्तों, सा रे मा पा धा सा, वो स्केल पर्टिकुलर जो राजस्थानी भजनों में मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसे तो संगीत का जो सागर है वो बड़ा अथाह है, इसका कोई पार नहीं है। हमारा जो चैनल है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, वो ये सिर्फ आप सब लोगों की दुआ से, पर्टिकुलर जो राजस्थान के जो देसी भजन है ना, वो हम लोग बजाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए ये चैनल चल रहा है और आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इतना इस प्रेम को अपना प्रेम दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए यहाँ से दोस्तों ये स्केल बजा, आप लोगों के दिमाग में इस स्केल की जो आवाज है वो होना बहुत ही जरूरी। देखना, हाँ, ये ऐसे तरीके से आवाज गले के अंदर होनी चाहिए, जहां जहां हम लोग उंगलियां चला रहे हैं। देखो, दोस्तों इसमें डूब के ये देखो आवाज निकलनी चाहिए, एकदम इसके अंदर मिल जाइए। देखिए, और यहां से जो आवाज है वो बनेगी, देखो, तो ये जब लोग हम इसमें गुल मिल जाएंगे ना, तब ये सारी बातें होगी। दोस्तों, भजन को गा के बता देता हूं। भागे बाला जागरे संति पदारे, भागे बाला जागरे संति पदारे, कर की रिपा बवे सागर तारे, कर की रिपा बवे सागर त्यारे, भागे भागे वाला जागरे संति पदारे, भागे वाला जागरे संति पदारे, कर की रिपा बवे सा कर गिरी पाप में सागर जारे। दोस्तों, इस राग को आप लोग गाएंगे ना, बड़ा आनंद आएगा। ताल में गाना और अपने स्केल के अंदर गाना है ना, बड़ा अच्छा लगेगा। अब दोस्तों, मैंने क्या किया, सा रे मा पा धा सा, ये वाला स्केल बजाया। शुरुआत कहाँ से हो रही, देखो, रे से। भागे वाला जांगर है,
भागे बला जागर। समझ में आ गया? भागे बला जागर संति पदारे, संति पदारे, संति पदारे। पाप आवाज आ रही, वापस देखो। संति पदारे कर की कर की पा कर की पा बे सागर त्यारे। कर की रे पाप वे सागर त्यारे। दोस्तों इसी राग में सेम इसका जो अंतरा है वो भी सेम ऐसा कैसे चलेगा। देखो हाँ, आया संत आया संताने आदर दीजो, आया संताने आदर दीजो, चरण कोल चरण मत लीजो, चरण कोल चरण मत लीजो। इस तरीके से जो अंतर आया वो भी इसी तर्ज में चलेगा। अब दोस्तों इसी राग में हम लोग जो श्री राम की जो धुन है वो भी हम लोग गा सकते हैं। देखिए, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इस तरीके से धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना।